देखिए रंग जाऊं तेरे रंग में, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। शर्मा जी मैम, गोली का रिकॉर्ड लिख लेना है? जी मैम। सिस्टम में डालना पड़ेगा कि मुजरिम भाग रहा था, उसे रोकने के लिए गोली चलाई। अरे मजनू की लैला जी, अगर आपका काम हो गया हो तो हम अपना काम करें। धानी, धानी हमारी बात सुनो, हमारी बात बात सुनो हमारी। देखो प्लीज घर चले जाओ, मत करो ये सब, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, घर चले जाओ प्लीज। कमाल के उल्लू हो भाई, अपनी पत्नी के साथ बैठकर 2-3 पिक्चरें देख लेते तो तुम्हें समझ में आ जाता कि खून के साथ साथ पुलिस कस्टडी से फरार होने की धाराएं भी लगेगी अब तुम पर। चलो। नहीं नहीं मैम, मैम ये गलत है। देखिए ये बस हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे, भाग नहीं रहे। बस इज्जत से कह रहे हैं ना, चुप रहो। अगर नहीं जाओगी तो तुम पर भी खून का इल्जाम लगा देंगे। और वैसे भी इस कहानी की सूत्रधार तो आप ही हैं, है? आप ही से शुरू हुई है ये कहानी। अपनी बहन की जगह ले ली ना तुमने, है? शर्मा जी मैं। मोटी रस्सी और हथकड़ी दोनों से बांधो इसे। प्लीज प्लीज हम इनके साथ चलेंगे, ऐसे ऐसे नहीं, ये गलत है, गलत। वाह 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 वाह, एकदम रोमियो और जूलियट की जोड़ी लग रही है, है? लेकिन वो लोग भी नहीं मिले थे तो तुम दोनों क्या खाक मिलोगे? अरे भाई ये तोता मैना की जोड़ी को तो मुझे ही तोड़ना पड़ेगा। चलो यार, धानी धानी हटो वहां से प्लीज। हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। देखो तुम्हें लेने दोबारा आएंगे, हाँ फिलहाल गाड़ी में जगह नहीं है, हटो। कोई तो रास्ता होगा वकील साहब। अंकल हम लोग एंटीसिपेटरी बेल की कोशिश कर सकते हैं पर इसमें टाइम लगेगा, पर क्योंकि इस वक्त ध्रुव प्राइम सस्पेक्ट है, उसे बेल मिलना लगभग नामुमकिन है। पुलिस को पूरा हक है उसे गिरफ्तार करने का, और अगर उन्होंने ध्रुव की गिरफ्तारी रोकने की कोशिश की तो पुलिस किसी भी हद तक जा सकती है। प्लीज जिद मत करो, प्लीज हट जाओ वहां से, तुम्हें चोट लग सकती है। गाड़ी चलाओ। अरे क्या कर रही हैं आप? चलाओ गाड़ी। अरे चोट लग जाएगी उसे। चलाओ गाड़ी। मरने का शौक है ना इसे तो मरे। क्या कर रही हो बेटा? तुम्हें कुछ हो जाता तो? पुलिस वाले हैं वो, उनसे पंगा मत ले। ध्रुव जी, अच्छे से चेक करना जी मैम, पहले से कहीं चोट के निशान ना हो, वरना कल पब्लिक हमको राक्षस बना देगी। यस मैडम। इंस्पेक्टर देवी कुमार, हमने मजिस्ट्रेट के सामने दफा 14 के तहत जांच पड़ताल के दौरान सुरक्षा की मांग की,
क्योंकि हमें यकीन है कि पुलिस जानबूझकर ध्रुव पांडे को इस केस में फंसाने की कोशिश कर रही है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर ध्रुव को पूछताछ के दौरान कुछ भी हुआ तो हम इस केस के ऑफिसर इंचार्ज पर केस कर देंगे। बहुत अच्छे वकील साहब, पर क्या है ना वकील साहब, आपने मजिस्ट्रेट से मांग तो की है लेकिन मजिस्ट्रेट ने आपकी मांग पूरी नहीं की अब तक। और जब तक वो फैसला सुनाएंगे तब तक तो हमारी पूछताछ पूरी हो गई होगी। शर्मा, इसको थर्ड डिग्री वाले रूम में ले जाओ। मतलब खास कमरा है हमारा। ये बहुत गलत कर रही हैं आप अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठा रही हैं। इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत तो आपकी धमकी की आपके बेटे को चुकानी पड़ेगी पांडे जी। पहले हम सोच रहे थे कि तमीज से बात करेंगे, लेकिन अब बात तो करेंगे लेकिन तमीज की कोई गारंटी नहीं है। जी नहीं, रुकिए, प्लीज 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 मैं प्लीज प्लीज प्लीज। शर्मा, एक काम करो भाई, डंडे को अच्छे से तेल लगा लो। हाई प्रोफाइल केस है ना, इतने लोग आए हैं, जरूरत पड़ेगी। चलो सोनाली। जी मैम। आशिकों का वीडियो बनाओ भाई, जब कार्रवाई रोकने के लिए धारा लगेगी ना तब सबूत के लिए काम आएगा। माफ से भीख मांग रहे हैं, इनकी कोई गलती नहीं, हमारी बात मानिए, इन्होंने कुछ नहीं किया है। आपका परिवार लाजवाब है, एक आदमी अंदर धमकी दे रहा है, आप यहाँ हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही हैं, हो क्या रहा है भाई? एक काम करिए, आप लोग आपस में तय कर लीजिए क्या करना है, उसके बाद हम फैसला करेंगे, ठीक है? चलो। धानी, तुम्हें इनसे कोई भी बात करने की जरूरत नहीं, हम और पापा ना इनसे अपने तरीके से निपट लेंगे, आज कर लेने दो उनको अपनी मनमानी। धानी, छोड़ दो। हम इन्हें से नहीं छूट सकते। नहीं। सोनाली। जी मैम। ये लैला मजनू को अलग करो जल्दी, अगर बातों से ना माने ना तो डंडा चलाओ। धानी, धानी हमारी बात सुनो, कुछ नहीं होगा हमें, तुम जो हो कुछ होने थोड़ी ना दोगी हमें, बिल्कुल फिक्र मत करो भाई, हम ठीक है। हाँ साहब, हम यहीं पुलिस थाने से ही बोल रहे हैं, हमारे बेटे को फर्जी केस में फंसाया जा रहा है और उसको टॉर्चर किया जा रहा है, आप जल्द से जल्द कुछ कीजिए, नहीं तो यहां आइए, बस हम और कुछ नहीं जानते। राम राम। अरे भाई शर्मा। यस मैम। रस्सी अच्छे से बांधना है। जी मैम। और याद रहे, निशान नहीं पड़ना चाहिए। हाँ जी। हाँ पिलाड साहब, बताइए कहाँ छुपा कर रखी है सृष्टि की लाश को? हैं? आपको बताए ना पहले भी कि किसी की लाश को कहीं ठिकाने नहीं लगाया हमने, समझ में नहीं आ रहा आपको? समझ में हमें नहीं आ रहा है, समझ में हमें नहीं आ रहा है।
कहो जा, जा, ध्रुव जी, ध्रुव जी, ध्रुव जी को क्या कर रहे हैं लोग? धानी, धानी, ध्रुव को, धानी, ध्रुव जी, नहीं, क्या? ध्रुव जी के साथ क्या कर रहा है? ध्रुव जी, छोड़िए मेरा हाथ, ध्रुव जी। अंकल, धानी को संभालिए वरना केस बिगड़ जाएगा। बोल रहे हैं ना कि रुक जाओ, समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, लोग कुछ गलत कर रहे हैं उनके साथ, हमें छोड़ दीजिए। रुको, अरे रुको शर्मा, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। हाँ तो पांडे के लौंडे, अब बता, याददाश्त वापस आ गई तेरी? याददाश्त वापस आ गई है? बोल बोल है? बोल बोल बोल। पांडे जी, कैसी लग रही है हमारी खातिर है? बाबा सिंह साहब, प्लीज हमारे पति को बचा लीजिए, उनकी कोई गलती नहीं है। वो देखिए क्या कर रहे हैं, वो कोई हक नहीं मांगता उनको इस तरह हमारे हमारे बच्चों को टॉर्चर करने का। रोकिए इनको, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप कीजिए कुछ, बस हम देखते हैं। धानी, प्लीज हमें बचा लीजिए, प्लीज। इंस्पेक्टर देवी कुमार। जैन सर। जैन। धानी, ये सब क्या चल रहा है? एक मर्डर केस सॉल्व कर रहे हैं सर, मुलजिम ध्रुव पांडे के खिलाफ हमें सारे सबूत मिल गए। मर्डर नोट मिला है, मारने का हथियार मिला है और वीडियो भी बरामद हुई है। सब कुछ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है। इनसे पूछताछ कर रहे थे लेकिन ये कोऑपरेट नहीं कर रहे, और इन्होंने हिरासत से भागने की कोशिश भी की। चुप, बिल्कुल चुप, मुझे कोई बकवास नहीं सुननी है। सर बकवास नहीं कर रहे, अपना फर्ज निभा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि खून ध्रुव पांडे ने ही किया है। शर्मा। जी सर। ध्रुव पांडे को बाहर लेके आओ। Thank you.
मत छोड़िए, छोड़िए। शर्मा। जी सर। ध्रुव पांडे के केस की फाइल लेकर आओ। सोनाली, धानी मैडम को कुर्सी दो भाई, वरना वो पुलिस डिपार्टमेंट पर इल्जाम लगा देंगी कि हम अत्याचार करते हैं उन पर। मैम आप यहाँ बैठी हैं। कुछ नहीं चाहिए हमें। हमें तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, सच से बता देना चाहिए था कि हम सृष्टि को मिलने जा रहे हैं। और सच कहें तो हमें हमें उससे मिलने जाना भी नहीं चाहिए था। और ये लोग जो कुछ भी कह रहे हैं हमने वो सब नहीं किया। पता है हमें, आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं आप निर्दोष हैं। खुद से भी ज्यादा भरोसा करते हैं आप पर। यह अधूरे पेपर है। बिना पूरी एफआईआर के तुम जबरदस्ती नहीं कर सकती। शाम तक पूरी एफआईआर तैयार करके हमें भेजो, उसके बाद ध्रुव पांडे की तरफ नजर उठा करके देखना। काशीनाथ जी आप निश्चिंत रहिए, मैं आ गया हूं ना, ध्रुव को कुछ नहीं होगा। लीजिए तानी मैडम, पानी पीजिए। इतनी देर से गला फाड़ फाड़ कर हम पर चिल्ला रही थी ना आप, गला सूख गया होगा आपका, पीजिए। कहा ना हमने, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। शर्म नहीं आती मिसेस ध्रुव पांडे, ये सब हम घर से नहीं लेकर आते। आप लोग जो टैक्स देते ना उससे खरीदती है सरकार। अगर हमारा रिस्पेक्ट नहीं कर सकती तो कोई नहीं, कम से कम अपने पैसों का तो लिहाज करो। हम भी किससे बात कर रहे हैं, जो अपनी बहन की कदर नहीं करती उससे हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। खून नहीं खौलता तुम्हारा? इस आदमी ने तुम्हारी बड़ी बहन का कत्ल किया और तुम इसी का साथ दे रही हो? शर्म करो, शर्म करो कि मुंह पर पानी में डूबकर मर जाओ। किस बात की शर्म करें हम? हमारे पति एक बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे पति ने हमारी दीदी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। आपने अब तक जो कुछ भी कहा है सब गलत कहा है। एक बार हम उन्हें इस घटिया से चंगुल से बाहर निकालेंगे, उसके बाद जिस किसी ने भी हमारी दीदी को नुकसान पहुंचाया उसे भी नहीं छोड़ेंगे हम। वाह वाह वाह, क्या कॉन्फिडेंस है मैडम का। पुलिस की वर्दी दूं या अपनी किराए पर लोगी? आज आप हमारा मजाक इसीलिए उड़ा रही है क्योंकि आपके पास ताकत है, अधिकार है, पर देखा जाए तो हम दोनों एक ही जगह पर खड़े हैं। हम आपसे कमजोर जरूर हैं, लेकिन हारे नहीं। आज हम अपने पति के सर की कसम खाकर कहते हैं, हम इन्हें बेगुनाह साबित करके रहेंगे। वादा करते हैं आपसे ध्रुव जी, हमारे रहते हुए आपको कुछ भी नहीं होगा। आज नवरात्रि का पहला दिन है, हमारे मांग में जो सिंदूर है और गले में जो मंगलसूत्र है उसकी कसम खाकर कहते हैं, दशमी तक आप पर इस सारी जो इल्जाम लगे हुए हैं उसे मुक्त कराकर यहां से लेकर जाएंगे आपको। कुछ नहीं होने देंगे आपको। आप
हमने उस दिन वचन दिया था ना आपको, आपको और हमारे इस रिश्ते को बचाने के लिए अगर हमें भगवान से भी लड़ना पड़े तो हम लड़ जाएंगे। और ये तो सिर्फ एक इंसान है, कुछ नहीं होने देंगे आपको। यहाँ हुआ क्या था उस रात? हे माता रानी, अब सच तक पहुंचने के लिए आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज माता रानी। लॉकेट किसका है? खून भी? ये किसका हो सकता है?